छत पर कपड़ा उतारने चढ़ी किशोरी के साथ पड़ोसी ने अश्लील हरकत की। किशोरी के विरोध करने पर युवक ने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। आनन फानन में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई। आइए देखते हैं पीड़ित के भाई ने क्या कहा और इस मुद्दे पर सीओ सदर ने क्या कहा, आइए देखिए। हमारे घर से थोड़ा विवाद हुआ नाली का, इसे हम लोगों ने आपस में निपटा लिया, सुलह हो गया। उसके बाद में हम लोग बिजनेस मैन हैं, दुकान पे चले गए अपने अपने धंधे पे 4 बजे। उसके बाद शाम को 6 बजे हमारी बहन छत पर गई कपड़ा लेने, तब अंकुर गुप्ता ने अपने छत से मेरे छत पर आकर मेरे बहन के साथ छेड़छाड़ शुरू की। उसके बाद में जब इसने आवाज़ लगाई, तब इन्होंने कहा आवाज़ लगाओगी तो आपको हम जान से मार देंगे, छत से टेल देंगे। तब इन्होंने छत से टेल दिया। उसके बाद शाम को, उसके बाद हम लोगों ने जब खबर सुनी दुकान वहाँ से आए, 108 बुलाए। उसके बाद समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले गए। उसके बाद वहाँ से डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया जिला अस्पताल अयोध्या के लिए, यहाँ लेकर आए, उपचार हो रहा है। उसके बाद सुबह हम लोगों ने कंप्लेन रौनाही थाना में किया, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है सर। बस बार बार यही दबाव बनाया जा रहा है, सुलह कर लीजिए। हम सुलह नहीं करना चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए। योगी राज में हमको न्याय चाहिए। हमारे घर पर कोई नहीं था सर। हमारे चाचा जी का दिल्ली में ऑपरेशन हुआ है, पिताजी हमारे वहाँ गए हैं। मेरी माँ 55 से 60 साल के एज में है, बूढ़ी है वो थी, और हमारी पत्नी घर पे थी। लड़की कौन है? ये हमारी बहन है। मेरा नाम राम प्रकाश गुप्ता, दीवान का पुरवा। सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जो अपनी छत पर कपड़े सुखाने गई थी, उनके पास वही पड़ोस का रहने वाला लड़का पहुंच गया, जिसने उनके साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने की स्थिति में उनको छत से नीचे गिरा दिया, जिससे उनके हाथ और पैरों पर गंभीर चोट आई है। इस बात की शिकायत जब युवती के परिजनों द्वारा अभियुक्त के घर पर जाकर की गई, तो अभियुक्त के परिजनों द्वारा भी युवती के परिजनों के साथ मारपीट की गई है। सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए विवेचना का तत्काल निस्तारण किया जाएगा। अयोध्या नगर कोतवाली में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने थाना दिवस का निरीक्षण भी किया। लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले आए। यहां पर अधिकांश मामले राजस्व और घरेलू विवाद से संबंधित रहे। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने कहा कि जो भी शिकायतें सामने आई हैं, उनको टीम गठित करके मामले का जल्द से जल्द निराकरण कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, समाधान दिवस में आने वाले मामलों को गंभीरता से देखा जाता है, प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द मामले का निराकरण कराया जाए। इस समाधान दिवस पर अयोध्या के क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट प्रशांत शुक्ला, सीओ आर के चतुर्वेदी, कोतवाल देवेंद्र पांडे व सभी चौकी इंचार्ज व राज्य से संबंधित अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। सर, आज समाधान दिवस का आयोजन है, आप आए हैं अयोध्या थाने में, कितने प्रकरण आए होंगे और किस विषय से संबंधित रहे? ऐसा है कि थाना कोतवाली अयोध्या में थाना समाधान दिवस का आयोजन आज किया जा रहा है, और इसमें संबंधित पक्षों के जो पब्लिक के लोग हैं, उसके अलावा सभी इसमें हमारे सभी राजस्व कर्मी हैं, लेखपाल हैं, और आरएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, और इंस्पेक्टर कोतवाली हैं, और इसमें कुछ प्रकरणों में पूर्व के भी जो है दोनों पक्षों को बुलाया गया है, उनको सुना गया और उनका जो है निस्तारण का प्रयास किया गया। जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया, और ताकि वास्तविक इसको समझें, और ये भी सभी को बताया गया कि प्रकरणों को लेकर के जो न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनमें मतलब अनावश्यक वाद विवाद न करें, न्यायालय के आदेश का सम्मान करें, और जो भी है कुछ प्रकरण थाना दिवस से संबंधित है, इनमें टीमों का गठन किया गया है। टीम मौके पर जा करके समाधान करने का प्रयास करेंगी, प्रकरण की जांच करेंगी, और जो अगर मामले समाधान नहीं होते हैं तो
तो संबंधित जो है न्यायालय में अगर वो संदर्भित हैं तो उनको जो है उचित सलाह दी जाएगी कि प्रकरण संबंधित माननीय न्यायालय में चाराजोई करें, और आवेदक गण हैं उनसे विशेष रूप से हम यहाँ पर बताया गया है और किया भी जा रहा है कि जो भी प्रार्थना पत्र हैं उनमें मोबाइल नंबर अवश्य लिखें ताकि आवेदक से बात करने में, उनसे संपर्क करने में कोई असुविधा ना हो, और सुचारू रूप से शांत में चल रहा प्रकरण निस्तारित भी हो रहे हैं, और इनको हम लोगों का अपेक्षा यही है जो भी प्रकरण हैं उनको मतलब उनको अवश्य जो है सुना जाए और उसमें विलंबित ना हो ताकि शांत व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो। अयोध्या जनपद के जल निगम कार्यालय के प्रांगण में उत्तर प्रदेश जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष राम तिलक वर्मा के नेतृत्व में अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी मुख्य मांगे बाड़ी शॉपिंग के आधार पर नगर निगम में कार्यभार ग्रहण कर चुके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शीघ्र किया जाना, ऐसे तमाम समस्याएं रही। वहीं पर श्याम नारायण शुक्ला ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन जारी रहेगा। ऑफिस के गंदगी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जल्दी सफाई होती ही नहीं है। जब इस मुद्दे को लेकर जल निगम के असासी अभियंता इंजीनियर महेंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इनकी मांगों को लेकर ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, और गंदगी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी की कमी है और इसको जल्द से साफ कराया जाएगा। इस धरने पर मुख्य रूप से कृष्ण कुमार मिश्रा, सूर्यकरण तिवारी, नंदलाल, राम तिलक, डीके पांडे के साथ उत्तर प्रदेश जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन के तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता शामिल है। आइए देखते हैं श्याम नारायण शुक्ला जिला सचिव जल निगम एवं इंजीनियर महेंद्र कुमार असासी अभियंता ने साकेत न्यूज़ से क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। कार्यक्रम हम लोग लगाए हुए हैं अपनी जो पांच मुख्य मांग है। चलिए ठीक, चार पांच दिनों से आप में धरने बैठे हुए हैं और ऐसे में जहां बैठे हो आप, ये आपका ऑफिस जल निगम का जी, और यहां पर जो इतनी गंदगी है, कूड़े का डंपर लगाया, तो कैसे आप बैठे हो बदबू में? अब बदबू आ रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, क्या करें, अंदर वो तालाब लगा दिए हैं बैठने के लिए, हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, और अगर ना बैठे तो कहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी सफाई होती नहीं होती यहां पर? अब सफाई कभी कभार हो जाती है, फिलहाल तो अभी सफाई नहीं हुई। ये कूड़ा कब से आप देख रहे हैं यहाँ पर? ये जब से हम लोग यहाँ धरने चार चौथा दिन चल रहा है, चौथे दिन से धरना कूड़ा लगा हुआ है। ये किसी कमी है? ये यहाँ के सफाई कर्मियों की कमी है, और जो है उनको कहना चाहिए कि यहाँ इसको साफ सफाई कर दिया जाए। ये धरना यहाँ पर कब तक चलेगा? ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक धरना अनवरत चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण शुक्ला, जनपद सचिव उत्तर प्रदेश जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन। ये लोग अपना धरना करना बंद करें, और जो जो हमारे स्तर से कार्रवाई चाहते हैं वो हमसे मिल करके बतावें, हम सब चिट्ठी लिखवा लें, चिट्ठी लिखवा लें, और बाकी जो अपेक्षित कार्रवाई बिना धन की कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। चलिए धरना तो चल रहा है ठीक है, लेकिन ये बताइए आपके परिसर के बाहर जहाँ ये आपका ऑफिस है यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, आडम्बर लगा हुआ है, जबकि गंदगी, और जबकि भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर तमाम बल दे रहे हैं, तो ऐसे में जो गंदगी बाहर है आपके यहाँ, इसमें क्या कहना आपका है? ये नगर निगम जो है डेली जो है सफाई करता है, हो सकता है कि दो दिन से ना। इस जल निगम का ऑफिस है जहाँ पीने का पानी की टेस्टिंग होती है, ऐसे में गंदगी रहेगी तो कैसे क्या करेंगे आप? नगर निगम का ये है, नगर निगम की गाड़ी डेली आती है, मोहल्ले मोहल्ले घूमती है, उनको सफाई करना चाहिए। कूड़े का ढेर से लगता है कि यहाँ काफी पुराना कूड़ा लगा है यहाँ पर, हम लोग संपर्क करेंगे उसको साफ करवा देंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस कूड़े को ढेर लेके और इनको लेकर के? कूड़े के ढेर को लेकर के ये कहना चाह रहा हूँ कि नगर निगम से मैं अनुरोध करूँगा कि बस सफाई करा दें। क्या नाम आपका है? मेरा नाम महेंद्र राम, अच्छा से जनता जल निगम।